वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ शालिनी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना अमेज़ॉन बैग हॉल। जी हाँ, मैंने अमेज़ॉन से कुछ बैग्स मंगाए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हैं, मींस कि उसमें पार्टी के लिए भी है, मेरा डेली यूज़ के लिए भी है, और गेट टुगेदर अगर हमें करना होता है तो उसके लिए भी बैग्स हैं। और उसके साथ साथ मेरा बैग कलेक्शन भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बैग्स रखती हूँ और अभी तक कैसे रहे हैं मेरे पास बैग, क्योंकि भाई मैं एक मॉम हूँ और मुझे कैसे बैग की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए मैं पहले दिखा देती हूँ, मेरे पास है ये सारे बैग। जी हाँ, मतलब ये एक बैग का पैकेट था जिसके अंदर मैंने अपने बैग्स को डाल दिया है। तो मैं पहले इसमें से निकाल लेती हूँ, और सबसे पहला बैग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक सेकेंड, जी हाँ, तो वो है कुछ ऐसे। ये बैग मैंने, ये अब पॉलिथीन बहुत संभाल के रखी है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे बैग ऐसे ख़राब हो जाते हैं अलग अलग जगह। हम लोग बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो किसी के भी साथ रख के है ना बैग्स ख़राब हो जाते हैं। अगर अलग से कुछ पैक करके रखा जाए ना तो वो अच्छे रहते हैं। तो ये है मेरा पहला बैग, ये कुछ इस तरीके से है। ये बैग है क्लोन फिश का, और ये मेरी इस ब्रांड से मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है ये वाला बैग, और इस टाइप का बैग भी मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। बट हाँ, हमेशा मेरे पास बड़े बड़े बैग्स रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कुछ कैरी करती हूँ अपने साथ अपने बैग में, और स्पेशली जो पानी की बोतल रहती है ना, तो इस वजह से मुझे हमेशा बड़े बैग की ज़रूरत पड़ी है। और अब बच्चे होने के बाद तो डेफिनेटली हमें एक बड़े बैग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ इस टाइप का बैग है, और इसका अनबॉक्सिंग मैं आपको शॉर्ट्स में दे दूंगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये मुझे कैसे रिसीव हुआ था। तो ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ना, ये जूट का बना हुआ है, और ज़िप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। और इसके अंदर जो ये भरा हुआ है, जिससे कि ये थोड़ा सा खिला खिला रहे, और ये है इसकी स्लिंग बेल्ट। चलिए दिखा दूं मैं आपको, इतना ज़्यादा ये स्पेस है इसमें, आप देख सकते हैं बहुत सारा स्पेस है। और दो पॉकेट हैं, मींस कि एक ये अंदर है छोटी सी और एक बड़ी, बस इसमें दो पॉकेट्स हैं, और बाकी है ये मोबाइल वगैरह या वैसे कुछ रखने के लिए जो इजी रहे निकालने करने के लिए। तो भाई मैं इस बैग को है ना ढोलकिया बैग बोलती हूँ, क्योंकि ये बड़ा है ना गोल मटोल सा रहता है और बहुत अच्छा लगता है। हैंड बैग है, आप इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं, और साथ में है स्लिंग। स्लिंग को मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ इस तरीके से है, फेक लेदर है शायद ये, और इसके पीछे है ना ये कपड़ा है, तो ये अच्छे काफ़ी टाइम तक इसकी जो स्लिंग है वो चलने वाली है। इसकी ये वाला हुक है इस तरीके से, तो ये इसके साथ अटैच हो जाता है इसमें। और इसकी पैकिंग की मैं बात करूँ तो हर चीज़ है ना बहुत अच्छे से पैक होके नहीं आई थी, बस ये पूरा कंप्लीट पैक था, कहीं भी पॉलिथीन वगैरह नहीं लगी हुई थी जिप वगैरह पर। बट हाँ, इसकी जिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी अच्छा स्पेसेस है, क्योंकि मुझे ऐसे बैग्स की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत कुछ कैरी करती हूँ अपने बैग में हमेशा से, और अब तो बच्चे हैं तो बहुत कुछ ले जाना पड़ता है। तो ये ट्रैवल के लिए भी है, आप देख सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के लिए या किसी भी ओकेजन पर आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा। स्लिंग भी इसका काफ़ी बड़ा है, तो इसका एक तो हो गया मेरा ये वाला बैग जिसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। सेकंड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बड़े बैग में मैंने फिर उससे छोटा सा एक साइज़ लिया, जिसमें मैंने इसको है ना इस तरीके से, देखिए ऐसे, ये इसमें नहीं था, ये उसी के अंदर पैक तो दूसरा थैली करके भर के आया था, लेकिन ये पैक होकर आया था बबल रैप में। तो ये है बैग कुछ इस तरीके से, बटरफ्लाई का है ये ब्रांड, और इसमें इस तरीके से फेक लॉक है, जो इसका लुक
बहुत अच्छा कर देता है, इन्हेंस कर देता है। और ये देखिए इसका इस तरीके से बकल दिया हुआ है एक डेकोर के लिए, मीन समझ लो कि बहुत अच्छा लगे। और ये भी काफ़ी है ना अच्छा स्पेस, इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। बैक साइड पर भी एक जिप है जो एक प्लस पॉइंट है। एक ना बैग रहता है ना जिसमें एक पीछे पॉकेट ज़रूर होनी चाहिए, जो उसमें नहीं है। अगर मीन्स कि कई बारी होता है कि हमें मेन पॉकेट ओपन नहीं करना है, तो फटाफट से आप इसमें डाल सकते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा है, मीन्स कि काफ़ी बड़े बड़े फ़ोन होने लगे हैं, तो एटलीस्ट फ़ोन आ जाए, कुछ पैसे आ जाए, तो इस तरीके से है इसका। देखिए ज़िप कुछ इस तरीके से है, ये बहुत अच्छा लगता है। अंदर मैं दिखा देती हूँ, तो ये ऐसे है, तो वो ओके। तो ये देखिए इसमें काफ़ी पॉकेट्स हैं। ये है इसका स्लिंग बेल्ट, ये है एक पॉकेट, देन एक पार्टीशन पॉकेट है इसकी, इस तरीके से जिप है, और एक यहाँ पर है। बटरफ्लाई के बैग की जो मैं बात बोलूँ ना, तो इसकी जिप और अंदर का जो स्टफ़ है बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। मीन्स कि बाहर से मे बी ये ख़राब हो भी जाए, तो ये अंदर से है ना काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, ये बहुत अच्छे रहे हैं। ये सिर्फ मेरा पहला नहीं है, मेरे पास पहले भी एक बटरफ्लाई का मैं रख चुकी हूँ। ये वाला देखिए बहुत बड़ा बैग है, और जब मैंने इसको मीन्स कि काफ़ी साल हो गए, काफ़ी साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, और जब मैंने इसे लिया था ना, तो सब लोग पूछते थे कि आपने ये बैग कहाँ से लिया है, इतना अच्छा लगता था। स्पेशली मॉम, क्योंकि क्या होता है ना कई बार हमें सामान भी सारा चाहिए, और फिर देखने में भी वो बहुत खूबसूरत लगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो अभी तो क्या है, ये काफ़ी है ना ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये बहुत गलत तरीके से रखा गया था मुझसे, और इसके भी दो पॉकेट्स इस तरीके से थे। तो अभी क्या हुआ था कि मुझे चाहिए था बड़ा बैग, और मैं इस तरीके से देखिए अंदर से ये बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सारी पॉकेट जिप वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, पॉकेट्स बहुत सारी हैं, पीछे भी एक पॉकेट है। तो ये बस ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा लगा मुझे बड़े बैग की ज़रूरत पड़ती है, और बड़े बैग के चक्कर में मैं कैरी कर रही थी कुछ इस टाइप का। ये भी काफ़ी अच्छा मजबूत है, बहुत कुछ आ जाता है, बट कहीं ऐसी जगह जाना पड़े तो इस टाइप के बैग फिर उतने अच्छे नहीं लगते हैं। बट हाँ, ये काफ़ी मजबूत रहा है, तो इसमें भी मेरा काफ़ी सामान आ जाता था, तो इस चक्कर में मैंने ये वाला बैग परचेज़ किया कि एटलीस्ट सारा सामान भी आ पाए और वो अच्छा भी लगे। तो उसी पर्पज़ से फिर मैंने एक ये लिया कि कई बारी हमें कहीं जाना पड़ता है पार्टीज़ वगैरह में, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत सारा सामान रखना पड़ता है बच्चों के लिए। अभी तो मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 साल का हो गया, बट डायपर्स वगैरह भी मैं कैरी करती हूँ और लेके जाना पड़ता है, बच्चे के सिपर है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। स्लिंग मैं इसका दिखा देती हूँ, ये है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा और बड़ा है, इसका क्लिप है, तो इसको स्लिंग करके भी ले सकते हैं, साइड से ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं, हैंड में ले सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटू सा लग रहा है बट स्पेस इसमें बहुत सारा है, बहुत कुछ आने वाला है इसके अंदर। शादी के टाइम पर भी बहुत बड़ा बैग परचेज़ किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। हालांकि कभी इसको कहीं ले जाने का इतना नहीं पड़ा था, तो ये काफ़ी टाइम तक रखा रहा, और इसको मैंने बड़े अच्छे ढंग से रखा हुआ था, बहुत प्यार से रखा हुआ था, तो अभी तक ये काफ़ी अच्छा है। ये भी बहुत बड़ा है, बहुत सामान आ जाता है, बट वही बात है कि जो इस टाइप के हार्ड वाले बैग रहते हैं ना, इसमें बहुत कुछ कैरी कर तो लो, बट ये अपना ही इनमें इतना वजन रहता है ना कि इसको फिर भारी भी होता है, और सिर्फ साइड में लेने में है ना फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ये मैंने जस्ट ऐसे ही रखा हुआ है, बैग को बहुत संभाल के रखती हूँ। उसके साथ साथ मैं दिखाती हूँ मेरे और भी स्लिंग बैग। ये वाला मैंने मीशो से लिया था, इसका भी मैंने शेयर किया था वीडियो, तो स्लिंग बैग लिया था, और बट वही है कि स्लिंग बैग में हम कितना सारा सामान ले जाएंगे। तो बाकी ये भी एक छोटू सा है, इसमें केवल आता है एक मोबाइल, तो जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाती थी तो मैं इसको कैरी करती थी। छोटू सा मिनी शो से मैंने इसको परचेज़ किया था, और काफ़ी कम प्राइस में मुझे ये मिल गया था,
उसके साथ साथ स्लिंग बैग मैंने बहुत रखे हुए हैं, क्योंकि उसके साथ साथ मेरे पास जो बटरफ्लाई वाला था वो बड़ा था, तो इसलिए सिर्फ मैं उसको लेकर जाती थी जब मुझे बहुत ज़्यादा सामान ले जाना है, बट इधर उधर घूमने जा रहे हैं तो ये वाले स्लिंग ले जाती थी। और ये कैपर्सी का है, हाँ कैपर्सी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें भी मैं बहुत सामान ले जाती हूँ, बहुत जगह है ना मैं इसको कैरी करती हूँ। स्लिंग बैग है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, ये पैक भी बहुत अच्छे से होकर आया था, स्पेस भी है, पॉकेट्स इसमें बहुत सारी हैं, बहुत सारी पॉकेट्स मिल जाएंगी। ये देखिए ये सब कुछ, मतलब पॉकेट तो इसमें भरमार है बिल्कुल, मैं इसको हमेशा लेकर के चलती हूँ, लेकिन इसमें सामान अब उतना नहीं आता है, तो फिर वही बात है कि, और इसके साथ साथ है ना मैं बता दूं कि ये सारे जो पर्स है वो मैंने गिफ्ट में लिए हुए हैं, मतलब हस्बैंड जब भी मुझसे पूछते हैं ना कि बर्थडे आ रहा है या करवा चौथ वगैरह तो क्या गिफ्ट चाहिए, तो सिर्फ एक चीज़ पर्स। पर्स का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है कि मेरे पास पर्स बहुत सारे मिलेंगे इसका कलर वगैरह, और ये मैंने आई थिंक मिंत्रा से परचेज़ किया था, तब मुझे लगा था ये काफ़ी बड़ा है, बट ये है ना बहुत छोटा भी नहीं है, बट बहुत क्यूट सा है। जब ये आया था तो मुझे, मैं बहुत खुश हुई थी इसको देख के, इसकी क्वालिटी वगैरह देख के ना बहुत अच्छा लगा था मुझे ये। देन उसके बाद मैंने कभी परचेज़ नहीं किया वो पार्टी वियर वाला जो क्लच रहता है, वो मैंने कभी नहीं किया था, मेरे पास कभी भी नहीं था शादी के बाद भी। इवन शादी पे मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था क्लच, जो हाथ में लेते हैं इस टाइप का रहता है, तो वो भी मैंने अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि मैं उतने छोटे में क्या ही कैरी करूँगी, बट अब जब पार्टीज़ वगैरह में जाती हूँ और फिर ये सारे बैग्स रहते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया ये, तो इन सब का जो अनबॉक्सिंग है मैं डाल दूँगी। अनबॉक्सिंग अलग इसलिए डालती हूँ कि हम दूसरे लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से पैक होकर आता है, कई बार हमें ऐसे ही मिल जाता है तो हमें लगता है कि ऐसे ही आता होगा, तो मैं भी देखती हूँ कि अनबॉक्सिंग कैसा रहता है। तो ये वाला है, बहुत प्यारा सा कलर और प्रिंट के साथ, प्रिंट मुझे ये हर चीज़ में बहुत, अगर इस प्रिंट की मैं बात करूँ तो ऐसे में ही मेरे पास लहंगा है, मेरे पास साड़ी है, और मुझे इतना अच्छा लगता है। इवन सूट की भी मैं बात करूँ ना तो देखिए इस तरीके से जैसे प्रिंट रहते हैं ना, तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ख़ासतौर से जो इसका कलर है ना ये मेरे लहंगे से बहुत ज़्यादा मैच करता है, और जो मेरी साड़ी है उसके प्रिंट से, तो ये मैंने इस वजह से इसको परचेज़ किया और अच्छे खासे प्राइस में ये मुझे मिल गया था। तो अच्छा, अब मैं ऐसी चीज़ें कैरी तो करती नहीं हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं घर में भी नहीं, खुद जब लिया ही नहीं तो पता भी नहीं था, तो ये मुझे ओपन करना भी नहीं आ रहा था कि इसे ओपन, बंद कर लिया फिर उसके बाद भूल गई कि ये कैसे खुलेगा, तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है, अब तो मुझे पता चल गया, नहीं तो मैं इसे रिटर्न करने वाली थी, गलत जगह से इसको ओपन कर रही थी कि खुल जा खुल जा खुल जा, मुझे लगा ये तो डिफेक्टेड आ गया, ये तो फंस गया नहीं खुलेगा, लेकिन बाद में पता भी चलने के बाद भी मैं उसको इस तरीके से कर रही थी कि शायद ऐसा कुछ पुश करने पे ये खुलता होगा, नहीं, बाद में पता चला कि ये कुछ इस तरीके से है, बट ठीक है, काफ़ी सारे लोग इसे लेते हैं पार्टीज़ वगैरह में, तो मेरा भी मन हुआ तो ये इसके अंदर आया था इस तरीके से स्लिंग चैन है ये। लेकिन बस इस चैन का यही है कि जो अंदर दिया हुआ है, इस साइड से अंदर दिया है, अंदर ना दे के यहाँ देना मुझे लगता है कि ठीक रहता, अंदर का क्या दिक्कत है, अगर आप लटकाए हुए हो इसको तो बंद करना बहुत आराम से हो जाएगा, बट अगर आप इस तरीके से हाथ में लेके करोगे तो चेन कभी अंदर फंसेगी कभी इधर जाएगी, तो इस चक्कर में। बाकी इसमें मेकअप का हैंकी या वेट टिश्यू पेपर्स वगैरह आ जाएंगे, मोबाइल भी आ जाएगा, मेरा मोबाइल आ गया बट उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा मुश्किल है, तो ये छोटे मोटे मेकअप के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रिंट एक्चुअली इसका बहुत प्यारा है। तो ये था मेरा बैग शॉपिंग हॉल और बैग कलेक्शन, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो, पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।